मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस पर। आज हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसका नाम कार्य अध्ययन वर्क स्टडी है, ठीक है। उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम यह बताना चाहते हैं, हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस पर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की लगभग सभी क्लासेस संचालित की जा रही हैं। उनको आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर का नेम है आपका वर्क स्टडी, कार्य अध्ययन, ठीक। तो फर्स्टली हम इसका इंट्रोडक्शन को देखते हैं, ठीक है। आधुनिक युग आपका कैसा युग है? आपका इंडस्ट्रियल युग है। तो बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के कोई भी आपका जो कंट्री है वो आपकी प्रोग्रेस नहीं कर सकती है। प्राचीन समय में क्या था आपका? प्राचीन समय में जो आपकी ह्यूमन की आपकी आवश्यकताएं थी वो आपकी कैसी थी? आपकी मानव की आवश्यकताएं आपकी सीमित थी। बट जैसे जैसे क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ती गई, वैसे वैसे ह्यूमन की आवश्यकताएं भी उसी के अकॉर्डिंग आपकी बढ़ती गई, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम क्या है आपका? जैसे कि आपकी जो कंपनीज हो गई, आपकी फैक्ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए, आपके सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनीज हो गई, उनके बीच में क्या है, एक कॉम्पिटिशन रहता है, ठीक है। और जो वह किसको कस्टमर्स को टारगेट करती है, मींस कह सकते हैं जो भी आपका जो कंपनीज है वो आपके क्या है, कम से कम समय में या फिर कम से कम कॉस्ट में क्या है, बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में प्रोवाइड करेंगी, तो वही कस्टमर मोस्टली ज़्यादातर परचेस करता है, ठीक है। तो जो कस्टमर है उसकी आपकी थिंकिंग क्या है? तो कस्टमर यह देखता है कि आपका जो प्रोडक्ट है आपका वो सस्ता हो, उसके साथ साथ उसका क्वालिटी भी अच्छी हो आपकी, ठीक है, और देखने में भी कैसा हो, वो आपका इफेक्टिव हो, ठीक है। अगर ये सारे क्या है, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं, तो वो प्रोडक्ट आपका एकदम फेमस हो जाता है, मतलब कि एक ट्रेडमार्क बन जाता है आपका, ठीक। तो कह सकते हैं जो उद्योगों के अंदर, ठीक है, उद्योगों के अंदर ऐसे लक्ष्य प्राप्त करने में क्या है, क्या हमारा जो वर्क स्टडी बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। तो वर्क स्टडी का जो मूल उद्देश्य क्या है, उसका मूल उद्देश्य एम ये है आपके जो मिनिमम एफर्ट, मींस जो मिनिमम एफर्ट एंड कॉस्ट करनी है, ठीक है। मीन्स जो आपके जो कंपनीज होगी, प्लांट हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, उसके अंदर जो एफर्ट्स हैं और कॉस्ट है उसको मिनिमम करना है, ठीक है। और उसके थ्रू हम लोगों को क्या निकालना है, मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, क्या निकालना है, मैक्सिमम आउटपुट फाइंड करना है। मीन्स हम कह सकते हैं जैसे हमने बताया था आपको, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं आपके, उनके मेजरली 5M होते हैं। तो 5M आपको याद होंगे शायद, कौन कौन से थे, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, ठीक है, मैनेजमेंट। तो इन इन पांचों चीज़ों क्या करना था हमको, इनका ऑप्टिमाइज़ यूज़ करना था, इनका ऑप्टिमाइज़ यूज़ करना था आपका, ठीक है, और ऑप्टिमाइज़ यूज़ करना था। तो ऑप्टिमाइज़ यूज़ कैसे होगा, हमें उसकी एक हमें मेथड ढूंढने पड़ेंगे कहते हैं, ठीक है, हमें हमने टेक्निक्स ढूंढनी पड़ेंगी कहते हैं, ठीक है, और उन्हें अच्छी तरह इम्प्रूवमेंट देखना पड़ेगा आपका, ठीक है, तब ये हो पाएगा आपका, ठीक है। और वहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम आउटपुट निकालना होता है आपका, तभी ये पॉसिबल है आपका, ठीक है। तो जो भी हमारे जो कार्य विधियाँ हैं, मतलब जो मेथड्स यूज़ करना है, यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या करना है हमको, उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, उसमें चेंजेस करने हैं, जिससे कि वह क्या हो, इकोनॉमिकल बेस्ट हो सके आपकी, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी को क्या है, हमें प्रोडक्टिविटी हो गई, सर्विसेज हो गई, उनको इंक्रीज करना है आपका, ठीक है। तो इसके लिए क्या है आपका, जो वर्क स्टडी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी। नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका कार्य अध्ययन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वर्क स्टडी, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, जो आपके जो भी आपके किसी भी उद्योग में जो आपके कार्य आपके हो रहे हैं, तो उनको क्या है, सिंप्लीफाई करना है, उनको इजी बनाना है, ठीक है, और उसमें जो भी आपके कॉस्ट लग रही है, एफर्ट्स हो रहे हैं, उनको मिनिमाइज करके मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, ठीक है, जिससे कि क्या आपका जो प्रोडक्शन रेट है, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसको इंक्रीज किया जा सके आपका। ये आपकी देखिए डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है, आपकी डेफिनेशन है आपकी अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग, देखिए आपकी डेफिनेशन। तो कार्य अध्ययन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा जो प्रोडक्शन में क्या है आपका, इम्प्रूवमेंट है आपका, प्रोसेस को आपका सिंप्लीफाई किया जाता है, तथा जो मैथड्स हैं, कंडीशन हैं आपके,
ठीक है, और जो आपके एफर्ट्स हो गए उनको प्रॉपरली एनालाइज करके एक ऐसी विधि निकालते हैं जिसमें ह्यूमन एफर्ट्स को क्या है मिनिमाइज किया जा सके, इकोनॉमी कह सकते हैं मोस्ट इकोनॉमिकली ढंग से किया जा सके, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका वर्क स्टडी कहलाता है आपका। ठीक, इसके अलावा डेफिनेशन एक देखिए, कार्य अध्ययन वह क्रिया क्षेत्र जिसमें कार्य करने के अनेक कंपोनेंट्स का अध्ययन करके सर्वोत्तम विधि निश्चित की जाती है। मींस हमारे जो आपके मटेरियल हो गया, मनी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, इक्विपमेंट्स हो गए, मशीन्स हो गए, उनको प्रॉपरली बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन करना है हमको, उनके माने प्रॉपरली एनालाइज करना है और उसमें से क्या मतलब उनका हम लोगों को यूजेस कैसे करना है, कौन सी टेक्निक्स लगानी है आपकी, ठीक है, कौन से आपके प्रोसेस लगाने हैं जिससे कि हम उन सब चीज़ों का आपका बेस्ट यूज़ कर सकें, ठीक है, तभी हम उसकी हम सर्वोत्तम विधि ज्ञात कर पाएंगे। लास्ट डेफिनेशन एक और देख लीजिए आप, वर्क स्टडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे कार्यों का विस्तृत अध्ययन है, तो मतलब किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या है जो कार्य हो रहे हैं उसका हमें क्या करना है विस्तृत अध्ययन करना है, तथा उसके साथ साथ जो भी हमारे जो रिसोर्सेस हैं उनके लिए एक दक्ष तरीका ढूंढना है, मतलब इफिशियंट मेथड ढूंढना है जिसमें क्या है हमें कोई कॉस्ट बढ़ानी नहीं है, कॉस्ट कोई नहीं बढ़ानी है, मतलब जो हमारे इनपुट्स हैं हमारे इनपुट्स हमें बढ़ाने नहीं है बल्कि हमें क्या करना है जो इनपुट्स हैं उनका इकोनॉमिकली बेस्ट तरीके से यूज करना है, इकोनॉमिकली बेस्ट तरीके से उनका क्या करना है यूज करना है जिससे कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके आपकी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कार्य अध्ययन के तत्व अथवा तकनीकें, कंपोनेंट्स या टेक्निक्स ऑफ वर्क स्टडी, तो इसमें क्या है आपका देख लीजिए, तो जो आपके वर्क स्टडी है उसके अंतर्गत क्या है जो आपके मेथड्स हो गए मटेरियल्स हैं मनी है इक्विपमेंट्स हैं इनका अध्ययन करना है। ठीक है, तो इन्हें क्या एक सूची में एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, इन्हें एनालाइज किया जाएगा और इनका क्या एक सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, सूचीबद्ध किया जाएगा आपका और उसके अकॉर्डिंग देखना है हमें क्या कहते हैं जो भी आपकी रिसर्च है रिसर्च के अकॉर्डिंग देखना है जो भी आपकी जितनी गतिविधियां हो रही हैं आपके प्रोसेस हो रहे हैं जो भी अनावश्यक हैं उनको क्या कहते हैं उनको क्या कहते हैं मिनिमाइज करना है आपका। ठीक है, और उन पर भी जितना जो समय लग रहा है एक्स्ट्रा समय लग रहा है आपका एक्स्ट्रा एफर्ट्स लग रहे हैं उनको दूर करना है आपका। ठीक है, तो ये देख लीजिए छोटा सा कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वर्क स्टडी दिया है आपका। देखिए वर्क स्टडी मेजरली क्या है आपका दो टाइप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो फर्स्टली इसका क्या है फर्स्टली है आपका वर्क स्टडी का आपका मेथड स्टडी। फर्स्ट क्या है आपका मेथड स्टडी, तो मेथड स्टडी हम लोग क्या करते हैं मेथड स्टडी में हम लोग क्या करते हैं देखिए आप मेथड स्टडी में कह सकते हैं जो कार्य करने को सरलतम और सर्वोत्तम विधि ज्ञात की जाती है। ठीक है, जब हमने क्या कहते हैं आपके कार्य करने की सरलतम एवं सर्वोत्तम विधि ज्ञात कर ली उसके बाद हम लोग आते हैं वर्क मेजरमेंट और टाइम स्टडी पर। ठीक है, तो वर्क मेजरमेंट और टाइम स्टडी में क्या होता है आपका जो भी हमने क्या कहते हैं जैसे मान लीजिए जो भी हमने विधि ज्ञात करी है तो उसमें आपके कौन कौन से आपके इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं मशीन्स यूज हो रही हैं आपकी इक्विपमेंट्स है आपका कौन कौन से मटेरियल यूज़ कर रहे हैं कौन कौन से। ठीक है, कौन कौन से टूल्स यूज हो रहे हैं और कितना आपके जो ह्यूमन एफर्ट्स यूज हो रहा है आपका, तो उनको हम लोग क्या करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन कर देते हैं स्टैंडर्ड बना देते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड बना दिया उसके साथ साथ आपका जो प्रोसेस होगा ऑपरेशंस होगा उनमें कितना टाइम लग रहा है मतलब प्रत्येक कार्य में आपका कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आ गया आपका टाइम स्टडी के अंतर्गत आ गया आपका। देखिए फर्स्टली हमें क्या करना है फर्स्टली जो आपका मेथड स्टडी में क्या होता है आपका जो कार्य करने की सरलतम और सर्वोत्तम विधि ज्ञात करनी है। ठीक है, जब हम सर्वोत्तम और सर्वोत्तम विधि ज्ञात कर ली उसके बाद हम लोग वर्क मेजरमेंट पे आते हैं, तो इसमें क्या करते हैं जो भी आपके सर्वोत्तम और सरलतम विधि में जो भी आपके प्रयुक्त विधियाँ आपके मेथड्स हैं आपके इक्विपमेंट्स होगा टूल्स होगा आपके ठीक है और ह्यूमन एफर्ट्स होगा आपके उनके लिए हम लोग क्या करते हैं स्टैंडर्ड लगा देते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड रूप दे देते हैं। ठीक है, और जो भी आपके जो कार्य हो रहे हैं आपके प्रोसेस हो रहे हैं ऑपरेशंस हो रहे हैं आपके जितने भी उनमें कितना आपका समय लग रहा है। ठीक है, तो समय को भी क्या करना है मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आ गया आपका वर्क मेजरमेंट के अंतर्गत आ गया। ठीक है, टाइम स्टडी के अंतर्गत गया और इसके थ्रू आपका फिर लास्ट में क्या होता है आपका कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई आपकी। ठीक है, तो जो आपका सिंपल सा जो वर्क स्टडी है दो चीज़ों का आपका कोरिलेशन है, फर्स्ट है आपका मेथड स्टडी, सेकंड है आपका वर्क मेजरमेंट, तभी हमें क्या प्राप्त होगी आपका हाई प्रोडक्टिविटी प्राप्त होती है हम लोगों को। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं आपका कार्य अध्ययन के उद्देश्य, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क स्टडी, तो ऑब्जेक्टिव देखिए
कार्य दिशा पद्धति में आवश्यक सुधार हेतु। तो मतलब जिस सिस्टम में कहते हैं सिस्टम में आपका कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पदार्थों मशीनी औजारों एवं परिक्रमों का समुचित उपयोग करना, ठीक है। तो कह सकते हैं जो भी आपके जो मटेरियल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं आपके, ठीक है, और प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करना है हम लोगों को, ठीक। वर्किंग कंडीशन में वांछित सुधार करना, तो जो भी आपके वर्किंग कंडीशन है, जाहिर सी बात हम बेस्ट मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब हम कार्य करने के बेस्ट मेथड्स को यूज कर रहे हैं, तुम्हारे जो वर्किंग कंडीशन है वो भी क्या होती है, आपकी इंप्रूवमेंट होती है, वो भी सुधर जाती है आपकी। श्रमिकों को कम थकान वाली विधि की खोज करना, मतलब हमें जो लॉन्ग ऑपरेशन ज्यादा यूज नहीं करने, हमें शॉर्ट ऑपरेशन मोस्टली यूज करने जो कि क्या हो हमारे इकोनॉमिकल बेस्ट हो आपकी। उन्नत विधियों द्वारा पूंजी एवं श्रम लागत में कमी करना, ठीक है। तो हमें जो क्या है आपका जो कॉस्ट लग रही है आपकी, ह्यूमन एफर्ट्स लग रहे हैं, उनको उसमें भी क्या करना है, उसको मिनिमाइज करना है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, उत्पाद के डिजाइन एवं विशिष्टियों में वांछित सुधार करना। जो भी हमारी जो डिजाइन है आपकी, स्पेसिफिकेशन है आपकी, विशिष्टियाँ हैं, उनमें क्या करना है, उनमें इम्प्रूवमेंट करना है, और समय समय पर उनको मतलब इकोनॉमिकल बेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें चेंजेस भी करना रहता है आपका। फिर क्या है आपका पदार्थ हस्तांतरण की प्रभावी एवं गतिविधि की खोज करना, जो मटेरियल ट्रांसफर की हमें बेस्ट मेथड को ढूंढना है आपका। वर्किंग प्लेस के डिजाइन एवं लेआउट में आवश्यक सुधार करना, तो समय समय पर हमें क्या देखना है, जो वर्किंग का आपका प्लेस है वहाँ पर उसका डिजाइन कैसा है, उसका लेआउट कैसा है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसे क्या करना है, उसमें इंप्रूवमेंट करना है, उसमें चेंजेस करना है। उत्पाद की गुणवत्ता एवं वांछित सुधार करना, तो उत्पाद जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं उसकी क्वालिटी में भी आपका क्या है, सुधार कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात हम लोग जो मेथड ढूंढ रहे हैं वो कैसा आपका इकोनॉमिकल बेस्ट है, तो इकोनॉमिकल बेस्ट होगा तो हमें जो प्रोडक्टिविटी मिलेगी ये आपकी कह सकते हो, जो सर्विसेज प्रोवाइड होंगी कस्टमर को वो भी आपकी बेस्ट मिलेगी आपकी। स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करना, ठीक है। तो जो हमारी मशीन्स हैं, मान लें मशीन्स अगर अच्छी होंगी आपकी, प्रॉपरली कम वर्क करेंगी, मतलब अच्छी तरह वर्क करेंगी, इकोनॉमिकल बेस्ट वर्क करेंगी, तो जो स्वास्थ्य पर जो पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव वो भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा आपका। ह्यूमन एफर्ट्स को उपयोग बनाना, जो भी आपके ह्यूमन एफर्ट्स हैं उनको क्या ज़्यादा ज़्यादा मतलब उनको ज़्यादा मतलब उनको ज़्यादा इकोनॉमिकल बेस्ट तरीके से उनको यूज़ करना है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है उत्पादन लागत में कमी करना, जो भी आपकी कॉस्ट है आपको उसको भी कमी करना, मतलब इकोनॉमिकल बेस्ट तरीके से भी यूज करना उनको। मिनिमम एफर्ट्स एंड कॉस्ट द्वारा अधिकतम उत्पाद प्राप्त करना, देखिए जो वर्क स्टडी का जो मेन एम है वो यही है आपका, जो मिनिमम एफर्ट्स एंड कॉस्ट, ठीक है। जो मतलब प्रयास को क्या करना है, प्रयास और लागत को हमें कम करना है, ठीक है। एफर्ट्स को कह सकते हैं एफर्ट्स प्लस कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, माइस करना है, ठीक है। और जो प्रोडक्टिविटी क्या प्राप्त होगी उससे हमें हायर प्राप्त होगी हम लोगों को, ठीक है, ये चीज़ है आपकी, ठीक। ओके, लास्ट है आपका उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए दक्ष तरीका ढूंढना, तो जो भी हमारे क्या है, जो हमारे कह सकते हैं जो भी हमारे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं उनके लिए क्या एफिशिएंट तरीका ढूंढना है, और कोई लागत बनाना है, मतलब जो भी हमारे जैसे मशीन हो गया, मटेरियल हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया आपका, उनका प्रॉपरली उनका अच्छी तरह यूज करना है, ठीक है। उनके मतलब किस हिसाब से मतलब जो आपके ऑपरेशन है और प्रोसेस है उनको प्रॉपरली किस हिसाब से वर्क करें, तो उसकी अच्छी विधि ढूंढनी है आपकी, और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी और सर्विसेज को भी हमको बढ़ाना है आपका, ठीक। अब देखते हैं स्कोप ऑफ वर्क स्टडी, ठीक है। देखिए जब हम पहले थे, मतलब जब हम लोग बहुत समय पहले थे तो उद्योग भी आपके सिंपल थे, तो प्रॉब्लम्स भी कम थी, बट क्या हुआ समय आपका बढ़ता गया, ठीक है, तो उसमें चेंजेस होता गया, आपका इंप्रूवमेंट हो गए, तो आपकी प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज होती गई आपकी। तो ये आपके जो इसका स्कोप है आपका, इसका स्कोप लगभग कह सकते हो हर प्लांट पर किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम, हर ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली किया जा रहा है। तो देख लीजिए आपके कौन कौन से मेन ऑर्गेनाइजेशन हैं आपके, ठीक है, जैसे कि आपका उद्योग हो, उत्पादन प्रोसेस हो गया, रिसर्च में हो गया आपका, डेवलपमेंट में हो गया आपका, ठीक, मार्केटिंग में हो गया आपका, सेलिंग में हो गया आपका, डिस्ट्रीब्यूटिंग में हो गया, जितने भी सारे ऑफिस हो गए आपके, स्टोरेज में हो गया आपका, ठीक है, मटेरियल ट्रांसफर में हो गया आपका, डिज़ाइन में होगा आपका, जो भी हमारे मान लीजिए जो आपके जो घर बनाए गए थे, बिल्डिंग्स बन रही हैं आपकी, ठीक है, वहाँ भी हो गया आपका, परिवहन सेक्टर में हो गया आपका, हॉस्पिटल्स में हो गया आपका, मलेटी सेक्टर में हो गया आपका, कृषि क्षेत्र में हो गया आपका, एग्रीकल्चर क्षेत्र में, ठीक है। और देख लीजिए मेजरली इसके एडवांटेज क्या क्या हैं आपके, एडवांटेज ऑफ वर्क स्टडी, ठीक। तो एडवांटेज क्या क्या हैं आपके, देखिए
समान एवं उन्नत उत्पादन प्रभाव। जाहिर सी बात, हमने जो कहते हैं जो कार्य करने की बेस्ट मेथड को हमने ढूंढ लिया है, तो जो हमारा प्रोडक्शन होगा बहुत तेज़ी से चलेगा, तो प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ जाएगा और एक जो कार्य क्या होगा प्रोडक्शन होगा वो हमारे फ्लो में चलेगा आपका, उच्च उत्पादक क्षमता। ठीक है, तो जो हमारे जो प्रोडक्शन की इफिशियंसी है वो भी आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, आपकी इंप्रूव हो जाएगी, आपकी विनिर्माण लागत में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कार्य करने का हमें बेस्ट मेथड को हमने ढूंढ लिया है, जिससे कि क्या होगा आपका जो मैन हो गया, मशीन हो गया आपका, ठीक है, मनी हो गया, तो इनका क्या बहुत ही प्रॉपरली अच्छी तरीके से यूज किया है आपका। तीव्र एवं सटीक वितरण विधि, तो क्या है मतलब फास्ट कह सकते हो, कहते हैं, और सटीक बिल्कुल एक्यूरेट आपका क्या डिस्ट्रीब्यूशन विधि हो गई आपकी। बेहतर कर्मचारी नियुक्त संबंध, मतलब क्या है जो इम्प्लॉयज़ हो गए आपके अपर एम्प्लॉयज लोअर एम्प्लॉयज उनके बीच में क्या जो कोरिलेशन है वो कैसे हो गए अच्छे हो गए। ग्राहकों के लिए बेहतर सेवा, जो कस्टमर के लिए जाहिर सी बात हम लोग बेस्ट मेथड ढूंढ रहे हैं, तो उससे क्या होगा आपका जो कस्टमर्स हो गए आपके उनके लिए भी क्या हो गया जो सर्विसेज प्रोवाइड होंगी और प्रोडक्ट मिलेगा वो भी कैसा होगा आपका अच्छा मिलेगा आपका। श्रमिकों को जॉब की सुरक्षा एवं जॉब से संतुष्टि, जो भी आपके श्रमिक एम्प्लॉयज़ हो गए आपके लेबर हो गए वर्क कर रहे हो उनकी क्या जॉब में भी सेफ्टी रहती है, क्योंकि क्या है हमें कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं जो हमें कार्य करनी बेस्टमेंट को ढूंढ लिया आपका और जॉब से वो सेटिस्फाई रहते हैं आपके। वर्किंग बेहतर कार्य एवं अन्य दिशाएं, जो क्या वर्किंग कंडीशंस हो गई आपकी वो भी आपकी अच्छी हो जाती हैं आपकी। ठीक है, और श्रमिकों के लिए उच्च वेतन, तो श्रमिकों के लिए आपकी उच्च वेतन हो जाता है आपका और समय समय उनको आपका वेजेस हो गया आपका बोनसेस हो गए वो आपके प्रोवाइड किए जाते हैं आपके। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, पढ़ते हैं कार्य विधि की, कार्य दिन की मूल विधि। ठीक है, तो कार्य दिन की मूल विधि के एक चार्ट के थ्रू देखा जा सकता है, सिलेक्शन है आपका, सिलेक्शन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन डेवलप मेजर डिफाइन इंस्टॉल मेंटेन। तो चलिए थोड़े से डिटेल में डिस्कशन करते हैं इसके साथ। तो फर्स्टली ये आपका सिलेक्शन करना, तो ऐसी कार्यविधि का सिलेक्शन करना है हमको जिसमें क्या ज़्यादा ज़्यादा आपका सुधार कर सके और इकोनॉमिकल एडवांटेज हमको ज़्यादा प्राप्त, इकोनॉमिकल एडवांटेज ज़्यादा प्राप्त हो सके आपका। ठीक है, तो जहाँ पे क्या है जो लेबर्स हैं एम्प्लॉयज़ हैं वो जल्दी थक रहे हैं और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें को भी कम किया जा सके और इफिशियंसी में ज़्यादा ज़्यादा वृद्धि करी जा सके, तो ऐसी विधि का हम लोग पहले सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं जो चार्ट्स हो गए, यहाँ पे एक चीज़ आपकी रह गई है, आपकी चार्ट्स हो गए आरेख हो गए डायग्राम्स हो गए, उनकी सहायता से क्या करते हैं जो वर्तमान में जो कार्यविधि यूज़ हो रही है उसका पूरा रिकॉर्ड तैयार करेंगे। थर्ड आपका एग्जामिनेशन द फैक्ट्स, और चार्ट्स और आरेखों की सहायता से हम लोग क्या करते हैं जो प्राप्त जानकारी है उसका मूल्यांकन करेंगे और उसमें से जो जो आपके वांटेड फैक्टर्स हैं मतलब जो हमें फैक्टर्स चाहिए उनको हम लोग निकाल लेते हैं वहाँ से। फोर्थ आपका सर्वोत्तम कार्यविधि को विकसित करना, और जो हमने आपका एग्जामिनेशन किया है मूल्यांकन किया है उसके आधार पर जो आपके तथ्य हैं ठीक है वहाँ से इफेक्टिव है इकोनॉमिकली है और सरल बनाएंगे उसको और बेस्ट मेथड को वहाँ से ढूंढ लेंगे और उसका निर्माण कर देंगे। अब क्या करते हैं वहाँ से सर्वोत्तम कार्यविधि का हम लोग और प्रोसीजर है ठीक है डिफाइन द बेस्ट मेथड, सर्वोत्तम कार्यविधि को हम वहाँ से सर्वोत्तम विधि को परिभाषित करेंगे वहाँ से। ठीक, तो इसमें क्या क्या है आपका जो भी आपकी सर्वोत्तम विधि है आपकी और प्रोसीजर है आपका ठीक है और उपकरण होगा इक्विपमेंट्स होगा आपका वर्किंग कंडीशन कैसी है मेटेरियल कैसे यूज होगा उसको क्या प्रॉपरली एक अच्छी तरीके से डिफाइन कर देंगे। सिक्स्थ आपका सर्वोत्तम विधि की स्थापना करना इंस्टॉल द बेस्ट मेथड, तो नई जो हमें आपकी कार्यविधि मिली है उसको क्या है स्टैंडर्डाइजेशन कर देंगे और उसकी स्थापना कर देंगे। अब जब हमें प्लान में लागू कर दिया आपने तो उसे क्या है मेंटेन करेंगे ठीक है, तो उसका क्या करेंगे हम लोग प्रोडक्ट चेकिंग्स करेंगे और वेरिफिकेशन करेंगे, तो समय समय पर क्या कर सकते हैं उसको प्रॉपरली चेक करेंगे कि हमारी जो वर्क मेथड है आपका ठीक है जो आपके वो आपका प्रॉपरली अच्छी तरह से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है या फिर उसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो उसे और इकोनॉमिकल बेस्ट बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं हम लोग कार्य अध्ययन के लिए निर्माण परिक्रमों या कार्यविधि का चुनाव करने के मानदंड। ठीक है, स्टैंडर्ड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड मेथड्स फॉर वर्क स्टडी। ठीक है, मान लीजिए कोई भी प्लांट है आपका ठीक है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही है एक साथ। ठीक है, तो उसमें से क्या हम एक ऐसी विधि का अध्ययन करते हैं, कैसी विधि का अध्ययन किया जाए यह बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट है आपका। तो मेजरली क्या है उनमें से कि तीन जो पॉइंट्स हैं उन पे आपका अवश्य ध्यान देना चाहिए आपका। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कैसा है आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है।
ठीक है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है। तो कह सकते हैं हमें सबसे पहले हमें एक ऐसी कार्यविधि का चुनाव करना चाहिए जिसमें क्या हो सके आपका ज़्यादातर इम्प्रूवमेंट कर सके और उससे आर्थिक लाभ अदब अधिक हो सके, या कह सकते हैं उसमें आर्थिक लाभ अधिक होने की संभावना हो सके आपकी। ठीक है, तो जो मैथड स्ट्रीम में आपका समय और पूंजी दोनों का व्यय होता है, यदि अध्ययन के उपरांत वांछित लाभ या बचत नहीं होगी तो परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। अतः हम लोग इकोनॉमिकल दृष्टि से क्या है निम्न पॉइंटों को देख के विधि का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके, तो फर्स्टली क्या है आपका ऐसी विधि देखनी चाहिए जिसमें आपके अत्यधिक श्रमिक शामिल हो, मतलब हमको देखिए सबसे पहले ऐसी विधि का चुनाव करना चाहिए जिसमें ज़्यादा लेबर्स है आपकी, ज़्यादा लेबर्स यूज हो रही है तो उसको मिनिमाइज किया जा सके आपकी। ठीक है, तो वहाँ पे आपका क्या है ज़्यादा कॉस्ट भी खर्च हो रही है, ज़्यादा एफर्ट्स भी लग रहे हैं तो उसको मिनिमाइज किया जाएगा। ऐसी कार्यविधि जिसमें अत्यधिक स्क्रैप और दोषयुक्त उत्पादन प्राप्त हो। ठीक है, तो क्या है जहाँ पे आपका स्क्रैप ज़्यादा बनना है, ठीक है, स्क्रैप ज़्यादा बनना है, दोषयुक्त उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, मीन्स आपको जो मशीन से हम प्रॉपरली अच्छी तरह वर्क नहीं कर पा रही हैं, आपको डिज़ाइन अच्छा नहीं है आपका। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके जो प्रोडक्शन है वो मशीन से ज़्यादा यूज हो रहा है तो उसको भी मिनिमाइज किया जा सके आपका। ऐसी कार्यविधि जिससे उपलब्ध रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, तो मैं क्या जहाँ पे रिसोर्सेज का सही यूज नहीं हो पा रहा है आपका, जैसे मैन मशीन मटेरियल हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, प्रॉपरली अच्छी तरह यूज नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी कार्यविधि को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ से और अच्छी तरह इकोनॉमिकल बेस्ट यूज हो सके, जिस कार्यविधि में श्रमिक एवं मेटेरियल की अनावश्यक गति सामग्री की पश्चात गति बार बार हो रही हो, मीन्स क्या है यहाँ पे जो लेबर से वो प्रॉपरली अच्छी तरह वर्क नहीं कर रही है, ना ही मेटेरियल वो बार बार एक ही मेटेरियल को घुमाया जा रहा है। ठीक है, बहुत प्रोडक्शन में ठीक प्रॉपरली तरीके से यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जो आपका इकोनॉमिकल फैक्टर्स हो गए आपके, ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हमको देखना है वहाँ पर। देखिए लिखा है उपरोक्त कार्यविधियाँ आर्थिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, इसलिए कार्य अध्ययन हेतु ऐसी कार्यविधि का हमको चुनाव करना है, क्या चुनाव बहुत ही उचित और प्रैक्टिकली होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं टेक्निकल। तो टेक्निकल तो कार्यविधि में हम लोग क्या है जो कार्यविधि मैथड स्टडी है, तो अध्ययनकर्ता को हेतु क्या होना चाहिए जॉब हो गया, और विधि अध्ययन करते समय उससे संबंधित टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए आपकी। ठीक है, क्योंकि क्या है जो टेक्निकल फैक्टर का भी एक अहम रोल रहता है आपका। ठीक, तो देख लेते हैं उनमें कौन कौन से आपके पॉइंट्स हैं आपके। ऐसी विधि जिसमें क्या समरूप गुणवत्ता का उत्पादन प्राप्त ना हो, मतलब जैसे कि मान लो कोई डिजायर प्रोडक्शन क्वालिटी अलग चाहिए आपको और क्वालिटी उसकी बेटर नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा ये। ठीक है, वहाँ पर ये फैक्टर्स लागू होंगे आपके। प्रक्रिया द्वारा अधिक स्क्रैप और उत्पन्न हो रहे हो। ठीक है, जहाँ पर अधिक स्क्रैप उत्पन्न हो रहे हो, गार्बेज अधिक बनना हो गया आपका। ठीक है, मीन्स अनवांटेड फैक्टर्स काफ़ी हों आपके। ठीक है, उन सबको कम करना है, मिनिमाइज करना है। वर्कर्स द्वारा जॉब से संबंधित अक्सर शिकायत करना। ठीक है, तो वर्कर्स से उन्हें आपकी प्रॉब्लम हो रही है जॉब से कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उस चीज़ को मिनिमाइज करना। लास्ट आता आपका ह्यूमन फैक्टर्स। तो सर्वप्रथम हमको ऐसी कार्यविधि देखनी है आपका जहाँ पे क्या जो वर्कर्स और जो यूनियंस हैं उनकी उनमें क्या हो डिससेटिस्फैक्शन हो आपका, ग्रीवियांस हो आपका। ठीक है, इससे क्या होगा जो ह्यूमन प्रतिरोध हो आपका, ह्यूमन रेजिस्टेंस हो आपका, स्वतः समाप्त हो जाएगा आपका। चलिए तो देखते हैं आपके कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके। थकान देने वाली अनावश्यक विधियों के बारे में श्रमिकों द्वारा बार बार शिकायत करना, मतलब देखो जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मशीन्स हैं, लेबर्स हैं आपकी, वो ज़्यादा वर्क नहीं कर सकती हैं, वो भी मतलब 8 या 10 घंटे वर्क करना चाहिए। अगर वो भी आप जो अनवांटेड आपके मेथड्स लगाएंगे, मतलब उन्हें लॉन्ग मेथड्स लगाएंगे, जैसे क्या हो एम्प्लॉयज़ हो गया, लेबर हो गया, वो 12-12 घंटे वर्क करेगी तो आपकी थक जाएगी आपकी, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी आपकी। ठीक है, तो उसको मिनिमाइज करना चाहिए। दुर्घटना की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी वृद्धि होना, मीन जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, आपके मशीन्स हैं आपकी, उनका प्रॉपरली लुब्रिकेशन है आपका, मेंटेनेंस है, सर्विसिंग नहीं हो पा रही तो वो प्रॉपरली अच्छी तरह से करनी चाहिए। पीरियड टाइम पे कभी अर्धवार्षिक हो गया, कभी वार्षिक हो गया आपका, कभी क्वार्टरली हो गया आपका, उस हिसाब से करनी चाहिए। आय में निरंतरता का अभाव, तो मतलब जो आपके अगर आप प्रॉपरली आपके कहते हैं काम भी ज़्यादा ले रहे हैं आपका, उन्हें सैलरी भी नहीं दे रहे कहते हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट भी नहीं कर रहे हैं, तो वो भी गलत चीज़ है आपकी। उन्हें क्या प्रॉपरली वेजेस देने चाहिए, उन्हें बोनसेस देने चाहिए आपके, तभी जो एम्प्लॉयज है वो अच्छी तरह से आपके वर्क कर पाएंगे आपके। ये तो ये हमारे कौन से फैक्टर्स थे आपके, ह्यूमन फैक्टर्स थे आपके। ठीक है, ह्यूमन एस्पेक्ट्स थे आपके। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो यहीं ख़त्म होती है। तो ये थी इसकी पहली पीडीएफ थी आपकी, तो इसमें हमने जो आपका सेकंड चैप्टर है आपका, सेकंड चैप्टर की पहली पीडीएफ थी आपकी। ठीक है,
तो हम कहते हैं हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तथा जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके, अगर कोई भी उनकी क्वेरी आ रही हो आपकी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो आपकी मैकेनिकल ब्रांच की, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो भी आपके बैचमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं आपके, और जो अदर कॉलेज के फ्रेंड्स हैं पॉलिटेक्निक के, उनके बीच हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप शेयर करिए हमारे, उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, ठीक है। और बाकी हम इसकी नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी प्रोवाइड करेंगे, और हमारे जो जो चैनल है उस पर लगभग आपके मैकेनिकल के लगभग सभी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो कवर किए जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास।